हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जिसे आप नहीं जानते लेकिन जल्दी ही जान जाओगे। आप सबका स्वागत है मैन ऑफ सुपर हीरो के नए लॉन्ग वीडियो में। इस वीडियो में बात करूंगा कि क्या वांडा यानी स्कारलेट विच सच में डॉक्टर स्ट्रेंज से ज्यादा पावरफुल है। अब आप सब बात करोगे कि क्या बात कर रहा है, हमने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देख ही लिया है कि स्कारलेट विच डॉक्टर स्ट्रेंज की बैंड बजा देती है। लेकिन इसमें भी कुछ सिनेरियो है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। पॉइंट नंबर वन, पूरी मूवी में हमने देखा कि वांडा के पास सबसे ज्यादा नॉलेज थी एज कम्पेयर टू डॉक्टर स्ट्रेंज। मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज और बाकी के सॉर्सरर्स को भनक भी नहीं थी कि वांडा के पास डार्क होल्ड लग चुकी है। और तो और हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज अब सॉर्सरर सुप्रीम भी नहीं रहे थे, जिसके कारण उन्हें ये भी भनक नहीं थी कि बुक ऑफ विशांति जैसी कोई भी बुक एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। और यहीं पर ही आता है इस सिनेरियो का कंक्लूजन, और वो ये कि जब तक डॉक्टर स्ट्रेंज को नॉलेज नहीं थी कि ये सब कुछ लफड़ा हो रहा है, तब तक हम स्कारलेट विच को पावरफुल कह सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों साइड को इक्वल करो तो डॉक्टर स्ट्रेंज हमेशा पावरफुल रहेंगे एज कम्पेयर टू स्कारलेट विच। वो ऐसे कि आपने मूवी के एंड में देखा होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने सिर्फ दो ही पन्ने डार्क होल के पड़े होंगे, उसके बाद भी उन्होंने स्कारलेट विच के नाक में दम कर दी थी। अब आता है सिनेरियो नंबर टू। अब आप लोग बोलोगे कि फिर भी वांडा तो जीती गई थी डॉक्टर स्ट्रेंज से, लेकिन आप साइड में ये भी तो देखो कि डॉक्टर स्ट्रेंज कैसी बॉडी को कंट्रोल कर रहे थे। वो ऐसे डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी को कंट्रोल कर रहे थे जो लगभग आधा सड़ चुका था, यहाँ तक कि उन्हें अपने फिंगर्स को मूव करने में भी काफी परेशानी हो रही थी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वांडा को यानी स्कारलेट विच को थोड़े से टाइम के लिए कैद तो कर लिया। तो आप यहाँ पर भी सोचो, अगर डॉक्टर स्ट्रेंज किसी अच्छे बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते तो आपको लगता है कि वांडा जीत जाती? बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं सिनेरियो नंबर थ्री की। एक तरफ है वांडा जो कि अल्टीमेट फॉर्म में है यानी कि स्कारलेट विच बन गई है, और एक तरफ है हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि अपग्रेड होने के बजाय डिग्रेड हो गए हैं जब से उन्होंने टाइम स्टोन को खोया है। हमारे एमसीयू के डॉक्टर स्ट्रेंज का सबसे पावरफुल वर्जन अगर हमने कभी भी देखा है तो वो था इन्फिनिटी वॉर में। आप खुद सोचो कि थैनोस को डॉक्टर स्ट्रेंज का सामना करने के लिए चार के चार स्टोन को यूज करने पड़े थे, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक भी बार टाइम स्टोन का यूज नहीं किया था। और मैं 100% श्योर होकर कह सकता हूँ कि वो फॉर्म भी डॉक्टर स्ट्रेंज का पावरफुल फॉर्म नहीं था। लेकिन ये मैं 100% श्योर होकर कह सकता हूँ कि स्कारलेट विच का सबसे पावरफुल फॉर्म हमने देखा है तो वो था सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। और यहाँ पर ही इसका साफ रिजल्ट निकल के आता है कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज स्कारलेट विच से फाइट कर रहे थे तब स्कारलेट विच अपने सुपीरियर फॉर्म में थी, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं थे। अब बात करते हैं सिनेरियो नंबर फोर की, जो कि है मोटिव, या ये कहूँ कि इन दोनों में से कौन अच्छा था और कौन बुरा। अब आप लोग बोलोगे कि स्कारलेट विच बुरी नहीं है, उसको हालात ने बुरा बनाया है। और अगर आप यही एग्जैक्ट थिंग सोचते हो स्कारलेट विच के बारे में तो अपने ज्ञान की बत्ती बनाओ और जहाँ डालना है डालो, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि स्कारलेट विच से भी ज्यादा बुरा जिसके साथ हुआ है वो था थॉर। मैं मानता हूँ कि उसने हजार साल काफी सुख और चैन से बिताए, लेकिन जब मौत ने भी रास्ता काटा उसके बाद थॉर रास्ते पर आ गया। मतलब पहले माँ मरी, फिर भाई मरा, फिर भाई जिंदा हुआ, फिर बाप मरा, फिर उसके बाद गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ, उसके बाद फिर भाई मरा, और तो और एस्गार्ड को खोया, और सबसे अच्छा दोस्त हेमडायल को खो दिया, और एट दी एंड अरबों लोगों के मौत का पाप अपने सर पे लिया कि बेंचो क्यों मैंने उस बैगनी के बैगन जैसे सर पे वार नहीं किया। अब आप खुद कंपेयर करो कि किसका दुख ज्यादा है, स्कारलेट विच या थॉर। लेकिन यहाँ पर भी देखो, इतना कुछ होने के बावजूद थॉर बुरा नहीं बना, इससे बुरा और कुछ हो भी नहीं सकता था। लेकिन फिर भी हम चलो टॉपिक से हट रहे हैं, बैक टू द स्कारलेट विच। लेकिन इस पागल चुड़ैल ने क्या किया, जो बच्चे इसके है ही नहीं उनको पालने जा रही थी, लेकिन पालने पोसने तक ठीक था। स्कारलेट विच यानी वांडा ने हद तब पार कर दी जब उसने फैसला कर लिया था कि मैं उस यूनिवर्स की वांडा को जान से मार दूंगी, और यहीं पर ही फैसला कर लिया था उसने कि मेरे सामने कोई भी आएगा उसे मसल के रख दूंगी। अब आप खुद सोचो, अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा ही चाहता कि मैं क्रिस्टीन को पाने के लिए किसी भी हद तक चला जाऊंगा, तब आपको लगता है कि वांडा 2 सेकंड भी टिक पाती डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने, क्योंकि उस टाइम पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने सुपीरियर फॉर्म में होता। जिसका आप सीधा एग्जांपल व्हाट इफ के एपिसोड 4 से ले लो, डॉक्टर स्ट्रेंज को कोई नहीं हरा सकता सिवाय डॉक्टर स्ट्रेंज के। इन शॉर्ट में अगर बताऊं कि डॉक्टर स्ट्रेंज उस मूवी में क्यों पावरफुल नहीं था, तो सबसे पहली बात कि उसके पास नॉलेज नहीं थी, दूसरा रिसोर्स नहीं था, तीसरा वांडा जितना खतरनाक मोटिव नहीं था, एंड फाइनली मूवी के स्क्रिप्ट राइटर का मन नहीं था। चलिए वीडियो के पे एंड कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। यार कह भी क्यों रहा हूँ, कोई यहाँ तक आया भी नहीं होगा। वेल, अगर आप लोग यहाँ तक आए और मेरी बातों को सुना तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ किसी नए अमेजिंग टॉपिक के साथ। बाय।